मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा रिजवान, वही जो आपको धोखा देते हुए आया हुआ घटिया वोटर। मैं इतना गिरा हुआ वोटर हूँ जबकि मैं सुपर पावर रहना था। एक एक वोटर सुपर पावर है, लेकिन आज उस सुपर पावर वोटर की हैसियत कितनी गिर गई, मेरे बारे में बताता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से एक पैसा दो पैसे में बिकते हुए आज मैं MLA MP करोड़ों में बिक रहा हूँ। मेरा वोट करोड़ों में बिक रहा। किसी गवर्नमेंट को गिराना है तो मैं बिक्रूं, गवर्नमेंटों को गिराता रहा MLA बनके, MP बनके। और मेरी खुदगर्जी के लिए मैं बिकते हुए दूसरे पार्टियों में जंप मारता रहा। मैं आप लोगों के बारे में सोचने का कोई टाइम ही मेरे पास नहीं था, उतना गिरा हुआ वोटर बन गया। आज मेरी हैसियत ऐसी है, लीडरों को पूछना तो दूर, कम से कम मेरे बाजू वाले वोटर को भी मैं ये नहीं पूछ सकता, सवाल ही नहीं कर सकता। मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरी औकात नहीं है। और मैं समाज सेवक बन के भी बिकता रहा, लोगों को नसीहत दिया कि भाई अच्छे लोगों को वोट करो, अच्छे लोगों को वोट करो, लेकिन मैं कोई पार्टी के लिए काम करा। मैं बिका और दूसरे पार्टियों के लिए काम करा। फिल्मी स्टार बन के भी मैं धोखा दिया। मैं फिल्मी स्टार वोटर, फिल्मों में मैं तो बहुत नसीहतें करा, यहाँ तक कि अच्छे लोगों को वोट करना बहुत बोला मैं, लेकिन मैं बिका, एक्टर बन के भी बिका। वो बड़ा स्टार, शक्तिशाली स्टार, वो डिपर स्टार, अपर स्टार, इस तरह कई नाम है मेरे, हर नाम से बिका। और मैं मेरे ग्लैमर को नाजायज इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को धोखे से आप लोगों का वोट किसी पार्टी वालों के लिए डालने लगाया। और आज मेरी हैसियत आप देख रहे, इतना गिरा हुआ हूँ मैं, लेकिन मैं मेरा जो सुपर पावर है उस सुपर पावर को पाने के लिए मैं निकला हूँ। मैं निकल पड़ा मेरे सुपर पावर के लिए। फिर आप लोगों को निकलने का वक्त नहीं आया? एक एक वोटर एक एक सुपर पावर है, फिर ये सुपर पावर खो गया, मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। ठीक है, कई लोग भाई अच्छा वोट करना, IAS IPS ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद समाज सेवा करते रहते, फिल्म स्टार भी बोलते रहते, समाज सेवक भी बोलते रहते, अच्छे लोगों को वोट करना, अच्छे लोगों को वोट करना। ओ भाई, मैं भी बोल रहा हूँ अच्छे लोगों को वोट करना, मगर किसको करना वो कोई भी नहीं बोलते ना। अगर बोलना है तो बिकने के बाद बोलते कि उनको फलाने उनको वोट करो, और धोखा वही जाता। लेकिन किसको वोट करना चाहिए, इसका जवाब मेरे पास है। सही वक्त पर सही फैसला सही जवाब दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों के पास ये सवाल है क्या कि किसको वोट करना चाहिए? अगर आपके पास ये सवाल है तो वो सवाल मेरे को होना, जवाब मेरे को होना। मेरे पास जवाब है, मेरा जवाब आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोगों का सवाल भी मेरे को होना, आप लोगों का जवाब भी मेरे को होना। क्या आपके पास वो सवाल है? अपने आप से सवाल करो, अपने साथियों से सवाल करो, एक उसके बारे में चर्चा करो कि आखिर किसको वोट करना चाहिए। क्या कोई पार्टी है,
या नहीं तो पोजा मारने वाला मैं हूँ, या नहीं तो पुलिस वाले है, या नहीं तो मीडिया वाले है, नहीं तो कोई अदर प्लैनेट से आने वाले है, ये तो मालूम पड़े। मेरे पास जवाब है, दूंगा मैं जरूर, लेकिन अपने आप में पहले सवाल पैदा करो। और हर जगह जब भी इलेक्शंस होते तो वहाँ पर इतना परसेंटेज पोलिंग हुआ, इतना परसेंटेज हुआ, लेकिन 100% वोटिंग कहीं भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। फिर वो बाकी का जो परसेंटेज है वो वोट क्यों नहीं कर रहे? क्या वो लोग मेरी तरह गिरे हुए लोग हैं, अकलमंद नहीं है? नहीं, वो बेहद अकलमंद है, पंडित है, महापंडित है, लेकिन उन लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है कि अरे किसको भी वोट करो वो लगा वैसी छह भाई, क्या करना। उससे तो अच्छा है कि आज हमारे को छुट्टी मिल गई, हम सो जाएंगे, सो जा रहे वाला। मैं उन सभी के साथ मिला के बोल रहा हूं कि आप लोगों में जो कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकालो, मेरा एक पुतला बनाओ, मेरा फोटो इस्तेमाल करो, उसको चप्पलों का हार पहनाओ और चप्पलों से मारो और उन पुतलों को जलाओ और अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालो और ये सवाल पैदा करो कि आखिर हम वोट करें तो किसको करें। मैं बराबर जवाब दूंगा और ये जवाब आप लोगों को बराबर पसंद आता। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर मैं भी उन्हीं लोगों में, सिर्फ बातें बोलने वाले, करने वाले कोई नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में करने वाला हूं। ये आप देखेंगे, जरूर देखेंगे। अब आखिरी एक बात ये है कि वरस्ट वोटर डाउन डाउन, बिकाऊ वोटर डाउन डाउन, चापलूस वोटर डाउन डाउन, लेकिन आप लोगों को एक क्लू देने वाला, वो क्लू ये है कि लीडर जो कोई भी हो अपने आप को हमेशा हराता हुआ, वोटर को हमेशा जिताने वाला ही लीडर बनने का हक उसमें है। ये एक क्लू आपको दे रहा हूं और इसके साथ और क्या क्या रहना, फिर वो जवाब, फिर वो सवाल, सवाल और उसका जवाब भी मेरे को होना। कमेंट्स में तो बोलो, कम से कम मेरे को गाली देके बोलो, मैं कबूल लेता हूं आप लोगों की बद्दुआएं, मेरी हर वो बेइज्जती करो, हर तरह से बेइज्जती करो, मैं आप लोगों के लिए बेइज्जत होने के लिए तैयार हूं। मैं सुपर पावर बनना चाह रहा हूं, वोटर सुपर पावर, मेरा सुपर पावर मेरे को होना। फिर आप लोगों को नहीं होना, वो वक्त नहीं आया कि आप लोग सुपर पावर बनो। जय मेरा हिंदुस्तान।